हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इंडियन रेलवे डायपर। में आज हम आपको दिखाने वाले हैं प्रतापगढ़ से जगही तक डबलिंग का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इस समय हम लोग प्रतापगढ़ जंक्शन से डिपार्चर ले चुके हैं। जिस ट्रेन से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ये जनता एक्सप्रेस है, 151-20 जनता एक्सप्रेस देहरादून टू बनारस जाने वाली जनता एक्सप्रेस। देखें, हम लोग प्रतापगढ़ से डिपार्चर ले चुके हैं। देखिए, डबलिंग का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है इस समय। देखिए, धीरे धीरे अपनी गाड़ी स्पीड इस समय ले रहा है। प्रतापगढ़ से जंघई, जंघई से जौनपुर भी डबलिंग का वर्क हो रहा है। आप लोग ने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। देखिए, मिट्टी डालने का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। देखिए, आपको दिखा रहे, छोटे बड़े पुलिया बन के तैयार हो चुके हैं बादशाहपुर तक। अभी आपको हम दिखाते हैं बादशाहपुर के बाद मीभापुर में भी धीरे धीरे काम चल रहा है। और जंघई से प्रयागराज डबलिंग हो रहा है। आप लोग ने जंघई से प्रयागराज डबलिंग का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखिए। देखिए कि ये पुलिया बाकी है, थोड़ा बड़ा है, यानी सब पुलिये बन के तैयार हो चुके हैं बादशाहपुर तक। देखिए, यहाँ पे पत्थर ला के रखे गए हैं। काम काफ़ी तेज़ी से, और इस समय देखिए अपनी गाड़ी टर्न मार रहा, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए, इस समय काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। पहले जंघई से प्रयागराज डबल लाइन पर दौड़ेगी ट्रेन, फिर इसके बाद जंघई से प्रतापगढ़ और जंघई से मड़ियाहूँ जौनपुर रूट पे डबलिंग का काम हो रहा है। आप लोग ने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। देखिए, अपनी गाड़ी अब धीरे धीरे रफ्तार ले चुकी है अच्छी खासी। देखिए, इसमें काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से। आप लोग ने कमेंट किया, भैया एक बार प्रतापगढ़ से जंघई तक वीडियो बनाइए, आपके कमेंट में हम बना रहे हैं। देखिए, काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है इस समय। पूरा मट्टी पड़ के कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ गिट्टी पड़ना बाकी है, स्लीपर और लाइन ट्रैक बिछाना, यानी काम समझ लीजिए इस रूट पे कंप्लीट हो चुके हैं। छोटे बड़े पुलिया भी बन चुके हैं। अभी आपको दिखाते हैं बादशाहपुर, पहले एक पुलिया पड़ता है, वो भी काम चल रहा है। देखिए, अपनी गाड़ी स्पीड फिर से पकड़ चुकी है। पृथ्वीगंज रेलवे स्टेशन पर आपको मिलते हैं। देखिए, पृथ्वीगंज रेलवे स्टेशन एक नंबर हम लोग स्किप कर रहे हैं अच्छी खासी स्पीड में। आप लोग ने पृथ्वीगंज रेलवे स्टेशन नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखिए आप लोग। पृथ्वीगंज रेलवे स्टेशन, यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं पृथ्वीगंज रेलवे स्टेशन पे। पृथ्वीगंज रेलवे स्टेशन हम लोग डिपार्चर लेते ही देखिए काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। खंभे लगाए जा रहे हैं, देखिए इस समय खंभे लगाए जा रहे हैं पूरे। यहाँ पर देखिए गिट्टियाँ भी पड़ चुके हैं सामने, देखिए आप लोग। काम काफ़ी ज़ोरों तोरे से हो रहा है प्रतापगढ़ से जंघई के बीच में। अब इसके बाद आप लोग बताइए, हम प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर रूट पर डबलिंग का वीडियो बनाएं कि ना बनाएं, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग जल्द से जल्द 5K ज़रूर करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। अपनी गाड़ी के स्टॉप माँ बराही देवी, जिसे दादूपुर बोलते हैं, अब सीधे वहाँ पर है। आपको 360 एंगल में दिखा रहे, देखिए काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है इस समय। देखिए नज़ारे को आप लोग एंजॉय करिए और ट्रैक को भी देखिए, काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। देखिए 2025 के लास्ट तक, नहीं 2025 में अपनी प्रतापगढ़ से जंघई तक ट्रेन दौड़ने लगेगी डबल लाइन पे। देखिए हम लोग माँ बराही देवी आउटर पहुँचने ही वाले हैं। देखिए इधर पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। देखिए मट्टी एक लाइन से पड़ चुका है। देखिए यहाँ पुलियों के पास पत्थर लगाए जा रहे हैं। काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। माँ बराही देवी दादूपुर रेलवे स्टेशन पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे पुल का भी निर्माण किया जाएगा। अभी आपको दिखाते हैं माँ बराही देवी दादूपुर रेलवे स्टेशन। आप लोगों ने माँ बराही देवी दादूपुर रेलवे स्टेशन नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा, एक बार आप लोग ज़रूर देखिए। देखिए माँ बराही देवी दादूपुर रेलवे स्टेशन हम लोग पहुँच गए हैं। देखिए 2 नंबर पूरा बन के तैयार हो चुका है। अब आपको एक नंबर भी दिखा देते हैं। देखिए एक नंबर पर काम इस समय चल रहा है। देखिए हम दादूपुर रेलवे स्टेशन का भी वीडियो बना है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। हमने बाइक से पृथ्वीगंज से दादूपुर तक बनाया है, आप लोग बाइक से देखना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। देखिए दादूपुर रेलवे स्टेशन सब लोग डिपार्चर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे सामने पुलिया भी है बड़ा, ये भी बनाया जा रहा है इसमें। देखिए जैसे दादूपुर रेलवे स्टेशन हम लोग क्रॉस करते हैं, यहाँ पे देखिए 60 kg के स्लीपर ला कर रख उठे हैं और छोटे बड़े पुलिया बन के तैयार भी हो चुके हैं।
देखिए 7 केजी के स्लीपर ला कर रख उठे हैं यहाँ पे। देख रहे हो रेल की ज़मीन में काफ़ी लोग खेत बनाए थे, देखिए सब हट गए हैं। देखिए 360 एंगल में आपको दिखता है भाई, रेल की ज़मीन जहाँ तक वो तो अपना लेगा ही, आपको ये तो पता ही होगा, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसका जहाँ तक है वहाँ तक ही रखना चाहिए। देखिए काम काफ़ी तेज़ी है, अंडरग्राउंड जो पास अंडरग्राउंड पास दिख रहा है आपको, देखिए अंडरग्राउंड इसके नीचे भी देखिए ये तोड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से कुछ रखा जाएगा, कोई धरी डबलिंग रहेगा जो आप देख रहे हैं। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए कुछ लैंग्वेज गलत निकल जाए उसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, तब भी हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। हम यहाँ तक वीडियो पूरा बनाए हैं बाइक से, उसके आगे हमने थोड़ा सा ट्रेन से दिखा दिया। यहाँ पर अपनी गाड़ी इसलिए स्लो किया गया है, मैक्सिमम 40-45 स्पीड पे यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे अंडरग्राउंड टनल बनाया जा रहा है, अंडरग्राउंड पास वाली टनल नहीं बोलते। देखिए 45 की स्पीड यहाँ दिया गया है, ये जो सामने देख रहे हैं यहाँ पे अंडरग्राउंड पास रहेगा। देखिए मिट्टी डालने का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है इस समय। देखिए इस रूट पर मिट्टी तो अधिक नहीं पड़ रहा है, क्योंकि देखा जाए यहाँ पर समतल है ज़मीन। देखिए यहाँ तक कुछ भी काम पहले की वीडियो आपने नहीं देखा तो एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा, चैनल पे सब वीडियो अपलोड है डबलिंग को लेकर। देखिए यहाँ पे काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से, देखिए रेल की ज़मीन, देखिए लोग यहाँ तक घर बनाए, ये भी सब कुछ टूटेंगे लग रहा है, थोड़े बहुत टूट भी सकते हैं, नहीं भी टूट सकते, कुछ कहा जा नहीं सकता। देखिए एक लाइन से काम काफ़ी तेज़ी से इधर इसलिए काम सिलो चल रहा था, क्योंकि इधर समतल ज़मीन है, मतलब बराबर ज़मीन है, इसलिए इधर काम सिलो चल रहा था, अब इधर भी काम काफ़ी तेज़ी से चलने लगा है। अब हम आपको कैबरे में दूसरी तरफ दिखाते हैं, देखिए अब आपको कैबरे दूसरी तरफ दिखाई देगी, इधर एक लाइन से तार बांधे जा रहे हैं हम लोग, सोनसा रेलवे स्टेशन पहुँचने ही वाले हैं, सॉरी सोनसा नहीं, गौरा रेलवे स्टेशन, सॉरी गलती सोनसा निकल गया। देखिए छोटे बड़े टीवी बनाए जा रहे हैं इस समय, अब आपको हम सीधे गौरा रेलवे स्टेशन को स्किप करते हुए मिलते हैं। आप लोग ने गौरा रेलवे स्टेशन नहीं देखा, इसका भी वीडियो हमने 15-20 दिन पहले बनाया, एक बार आप लोग ज़रूर देखिए। टोटल यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर पुल का भी निर्माण किया जा रहा है, काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है गौरा रेलवे स्टेशन पर। देखिए अच्छी खासी स्पीड में अपनी गाड़ी गौरा रेलवे स्टेशन से निकल रहा है इस समय। देखिए यहाँ पे छोटे बड़े काम चल रहे हैं, पुलिया बनाए जा रहे हैं इसमें, छोटे बड़े पुलिया इस रूट पे हमने देखा काफ़ी अधिक। हम लोग सीधे आपको सोनसा रेलवे स्टेशन पास पहुँच रहे हैं, देखिए सोनसा रेलवे स्टेशन आपको दिखा रहे हैं, अपनी गाड़ी यहाँ पे सिलो किया गया क्योंकि स्टॉप देंगे। देखिए सोनसा हम लोग पहुँच चुके हैं, आपको सामने जूम करके दिखाते हैं, यहाँ पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे वहाँ तक जो आप देख रहे हैं। देखिए सारी ज़मीन यहाँ पे सफ़ा कर दिए हैं, यहाँ पे अपनी गाड़ी का स्टॉप है, देखिए एक नंबर पे, देखिए बिल्डिंग बन के तैयार भी हो चुके हैं पूरे एक नंबर पे। देखिए यहाँ पर पुल का भी निर्माण किया जाएगा सोनसा रेलवे स्टेशन पर। देखिए अपनी गाड़ी यहाँ पे स्टॉप होने के बाद कुछ लोग पैदल चले जा रहे हैं उतर के, देखिए यहाँ तक पूरा ये लास्ट में जहाँ तक सफ़ा दिख रहा है यहाँ तक बनाया जाएगा प्लेटफॉर्म 2। अब सीधे हम आपको बादशाहपुर रेलवे स्टेशन मिलते हैं, हम आपको बादशाहपुर तक वीडियो दिखाने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए इस तरफ डबलिंग रहेगा, छोटे बड़े पुलिये भी बनाए जा रहे हैं, ये आपको हम दिखाते हैं कैमरे में, आप लोग बने रहें। इतनी स्पीड में गाड़ी चलते तब भी हम आप लोग के लिए कैमरे को लिए रहते हैं, सोचते हैं कहीं स्किप ना करें, अब आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे पुलिया बनाया जा रहा है, देखिए बादशाहपुर रेलवे स्टेशन के पहले एक बड़ा सा पुलिया मिलता है उसे बनाया जा रहा है, और एक पुलिया ये भी बनाया जाएगा। देखिए
वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए, इसका स्टेशन कोड BSE है बादशाहपुर रेलवे स्टेशन का। जल्दी हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आप लोग जल्द से जल्द 5K जरूर करिए। वीडियो कहाँ का बनाया है आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखिए आप लोग।